नमस्कार दोस्तों, मैं वेदिका शास्त्री एस्ट्रो हेल्प के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जून का महीना भी आने वाला है और ऐसे में आपको भी इंतज़ार होगा कि मई के साथ साथ आने वाला जून का महीना आपका कैसा रहेगा। मई का महीना तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मई का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। आज मैं आपको जून के महीने के राशिफल के बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि के लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। मेष राशि के लोगों को इस महीने अपने पड़ोसियों से बचकर रहना है, वरना आपका उनके साथ कोई विवाद हो सकता है। इसके अलावा आपको दोस्तों से भी थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, वरना इस महीने आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। मेष राशि के लोगों को इस महीने अपनी संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, मेष राशि के लोगों के लिए ये जो जून का महीना रहेगा वो मध्यम रहेगा, यानी कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप जो है इस समय सेफ साइड में रहने वाले हैं, इसलिए आपको ना तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा बचत पर भी ध्यान देना है। जो भी रखें स्टेबल रखें। वृषभ राशि के लोगों के लिए जून का महीना जो है वो बहुत सारी मुश्किलें लेकर आ रहा है। इस महीने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को बहुत सावधानी से काम करना है, वरना उनके काम में कोई अड़चन आ सकती है और वो किसी बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। धन लाभ की संभावना है, लेकिन अगर आप कोई निर्णय गलत ले लेते हैं तो जो आपका धन लाभ है वो रुक सकता है। वहीं अगर कोई आपके पास उधार लेने आता है तो उस इंसान को खाली हाथ लौटाने में ही आपकी भलाई है। इसके अलावा अगर आप प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो इस समय पूरी हो जाए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन आपकी है वो पूरी नहीं होगी। इस वजह से आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में भी तनाव की स्थिति बनी रहेगी। मिथुन राशि। इस महीने मिथुन राशि के लोगों के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिस वजह से जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ सकती है। कोई मुनाफा होने वाला है तो उसमें भी आपके बाधाएं आएंगी। मेरी राय है कि इस महीने आप अगर कोई नया काम शुरू या नया कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसे भी टाल दें। इस समय नौकरी पेशा जातकों को तरक्की मिल सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा समय है और अगर आप किसी तरह के प्रेम संबंध में हैं तो इस महीने जो आपका रिश्ता है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। कर्क राशि के लोगों के लिए जो जून का महीना है वो आमदनी के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। इस महीने आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको फायदा होगा। साथ ही जून के महीने में धन लाभ की संभावना भी बनी हुई है। आपके अटके हुए सारे काम पूरे होंगे। इस महीने आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस महीने नौकरी पाने का जो सपना है वो आपका पूरा होगा, लेकिन आपको बस क्या करना है कि हार नहीं माननी है। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है नौकरी मिलने में तो भी आपको प्रयास करते रहने हैं। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो अंत में आपको सफलता जरूर मिलेगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि। इस महीने सिंह राशि के लोगों की रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ सकती है, यानी कि आप धर्म से जुड़े कुछ कार्य कर सकते हैं या फिर किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस समय जो आपके कार्यों की जो गति है वो धीमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। आमदनी के लिए अच्छा समय है और आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव हो सकता है जिसकी वजह आप खुद ही होंगे। वैवाहिक जीवन में आपको सुकून का अनुभव होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने सहकर्मियों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें, क्योंकि वही आगे जाकर आपकी सहायता करने वाले हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए जून का महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि कन्या राशि के लोगों के लिए जून का महीना बहुत ज्यादा खराब रहेगा। इस महीने आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको असफलता मिलेगी। व्यापार में भी आपको नुकसान होगा और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। अगर किसी काम में आपको अपने जीवन साथी की ज़रूरत या उनके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका मन व्यथित रहेगा।
इस वजह से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी तनाव से भर जाएगा। इस समय आपको क्या करना है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देंगे तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको ही परेशानी होगी। इसके अलावा इस महीने आपको धैर्य से भी काम लेना है। तुला राशि के लोगों के लिए जो जून का महीना है वो बहुत ज़्यादा सोच विचार का रहेगा। इस महीने आपको जो भी करना है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना है। हो सकता है कि इस महीने जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो सक्रिय हो जाए और इनकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस महीने आपको अपने कलीग्स की वजह से परेशानी हो सकती है और व्यापार में भी आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति भी कम होगी, मतलब कि जो आपका मुनाफा है वो कम होगा या फिर आपकी आय भी कम हो सकती है। सेहत के लिए अच्छा समय है, लेकिन आपको आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। वृश्चिक राशि। दोस्तों, जून का महीना वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ ये महीना वृश्चिक राशि वालों को ही सबसे ज़्यादा शुभ फल देगा। इस महीने आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है और व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस महीने वृश्चिक राशि के लोगों की सेहत में सुधार होगा और आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। हाँ, वैवाहिक जीवन के लिए ये समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा, लेकिन बाकी सब क्षेत्रों में आपको लाभ ही रहेगा। धनुराशि के लोगों का ये महीना मानसिक तनाव में रहेगा। इस मानसिक तनाव का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। आप तनाव में रहेंगे और अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, जिसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इसके अलावा इस महीने आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रहने वाला है। नौकरी पेशा जातक भी इस महीने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर ना बैठें, वरना आपको निराशा ही हाथ लगेगी। सेहत के लिए भी ये सामान्य समय है। मकर राशि के लोगों को इस महीने आर्थिक मामलों में अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, यानी कि जीवन साथी की मदद से आपको पैसों का कोई मुनाफा हो सकता है। हालांकि इस महीने संतान की तरफ से आपको कोई मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कि संतान के साथ कुछ गलत घटना हो जाए या उनका परीक्षा में परिणाम अच्छा ना आए, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय आप उधारी देने से बच कर रहे हैं, वरना आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस महीने आपको किसी आर्थिक मामले में अपने जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है, इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी रहेगा। इस समय आपकी सेहत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए आपको इस महीने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कुंभ राशि के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो जून के महीने में अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति वैसे वैसे खराब होती जाएगी। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उन्हें अपने कलीग्स से बचकर रहना है, वरना वो लोग आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप संभल कर चलें। व्यापारियों को भी इस समय कोई नया काम नहीं करना है, साथ ही आपको इस समय निवेश से भी बचना है। कुंभ राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन में तनातनी का माहौल बना रहेगा, सेहत के लिए ये सामान्य समय है। मीन राशि के लोगों के लिए ये महीना सामान्य रहेगा। इस महीने आपको व्यापार में भी लाभ हो सकता है और करियर के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। हालांकि आपको सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी है। अगर आपको कोई छोटा सा रोग भी है तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवा लें। ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आगे चलकर कोई बड़ी समस्या का रूप ले ले। जीवन साथी के साथ आपको अनबन से बचना है, बेहतर होगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। तो दोस्तों, ये था जून महीने का राशिफल। मैं कामना करती हूँ कि जो जून का महीना है वो आपका अच्छा रहे और आप अपने जीवन में बहुत सफलता पाएं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।